इमरान खान की सियासी नापुख्तगी ने नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाया। कुछ इशारे भी हैं और कुछ ना तजर्बाकारी भी। खुर्शीद चाह की चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद, कहा वजीर आजम को खुद को बचाने के लिए कतरी शहजादे के खत की जरूरत पड़ी। कतरी शहजादे के बाद मुमकिन है दादा जान की देग भी आ जाए। हो सकती है कि दादा जान की एक देग निकली है जिसमें सोने और जवाहरात थे और ये चीजें बनी। 84 मेगावाट का इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी सूबाई हुकूमत ने शुरू नहीं किया। विफाकी हुकूमत की सारी तरक्की इश्तिहारों में हो रही है। इमरान खान का दावा, कालाम में पनबिजली मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। ये भी कहा जब भी इख्तदार मिला 90 रोज में बड़ी करप्शन खत्म कर देंगे। पाकिस्तान की हर नायला, आयशा और एजाज को नहीं मिलेगी ये पाकिस्तान, नहीं बनेगा। वज़ीरे आला पंजाब का जोश खिताबत, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जज्बाती तकरीर, कहा पाकिस्तान में अशराफिया धांधली के दरवाजे खोल देती है। मुशर्रफ ने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया लेकिन माजी का पाकिस्तान सबके सामने था। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के इल्जाम में कैद मुलजिम को 11 साल बाद बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने सजाए मौत का हुक्म दिया, हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदला था। हाई कोर्ट में मुलजिम मोहम्मद अनार खान को बरी करने का हौसला नहीं था। बदकिस्मती से झूठे मुद्दई के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। लाहौर में स्टेज फनकारा किस्मत बेग को कत्ल करने वालों का पता चल गया। किराए के कातिलों से मरवाया गया। वारदात में शोबिस के लोग मुलव्वस हैं। मरकजी मुलजिम मकतूला का पुराना प्रमोटर निकला। तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने पर कत्ल करा दिया। राना सनाउल्ला का दावा, पुलिस के मुताबिक किस्मत बेग कत्ल केस में मुलव्वस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला सिंध का मेयर कराची की सफाई में ताबुन का ऐलान। डीसी को भी किरदार अदा करने की हिदायत। वसीम अख्तर ने औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी में झाड़ू लगाकर मुहिम का आगाज किया। कहा वजीर आला हमें काम दें, उनके बाजू बनेंगे। शहर में अरसे का बिगाड़ दूर करने में वक्त तो लगेगा। वक्त पर नहीं आ सकते तो घर बैठें। वजीरे आला सिंध ने अफसरान और मुलाजमीन को खबरदार कर दिया। न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट का हंगामी दौरा किया। एक नहीं, दो नहीं, सातवें फ्लोर तक सेक्रेटरीज और अफसरान की हाजिरी चेक की। ताखीर से आने वालों पर बरहम, गैर हाजिर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस की समाअत। 3 मुलजमान काशिफ खान कामरान, मोहम्मद अनवर और इफ्तिकार हुसैन के वारंट गिरफ्तारी जारी करती है। समात 8 दिसंबर तक मुलतवी। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और नवाज शरीफ की गुफ्तगू से मुतालिक एलामिये की दुरुस्ती और लहजे पर रद्द अमल नहीं दे सकते। पाकिस्तान के साथ पेचीदा ताल्लुकात की वजह से ओबामा की दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश पूरी ना हुई। हे सदा सिंधुअ जी छोली मारू अड़न जी मिठड़ी बोली गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा 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 जी सिंधु जी सिंधु वारा जी अन सिंधु टोपी अजरक वारा जी जी सिंधु जी सिंधु वारा जी अन सिंधु टोपी अजरक वारा जी। सिंधी टोपी और अजरक सिंध की शान, सकाफत का निशान। सिंधी सकाफत उजागर करने के लिए सिंधी टोपी अजरक डे 4 दिसंबर को मनाया जा रहा है। आप भी सकाफती दिन मनाएं, अपनी तैयारी हमें बताएं, हम दुनिया को दिखाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। वो
बुर्ज खलीफा पर रोशनियों का तूफान आ गया, नक्शो निगार से नजारा शानदार हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के 45वें कौमी दिन के जश्न की तकरीबात, दुनिया की बुलंद तरीन इमारत पर लाइट शो का अहतमाम। क्रिसमस सीजन शुरू हो गया, व्हाइट हाउस में तकरीबात का आगाज। अमरीकी सदर ओबामा ने मिशेल ओबामा और दीगर अफराद के साथ मिलकर क्रिसमस का गीत गाया। और अपनी जान देकर सैकड़ों तलबा की जान बचाई, हंगू के बहादुर तालिब इल्म एतजाज अहसन की जिंदगी पर मबनी फिल्म सल्यूट सिनेमाओं में नुमाइश के लिए पेश कर दी गई।